जीएसटी हीरो की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बल्क में क्लाइंट कैसे ऐड करने हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जीएसटी हीरो का एडमिन लॉगिन करना होगा। आप जब भी क्लाइंट ऐड करोगे तो आप एडमिन लॉगिन के अंडर ही ऐड करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज क्लाइंट में जाना है। मैनेज क्लाइंट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, डाउनलोड द एग्जिस्टिंग क्लाइंट इन द एक्सेलशीट। मतलब आपने जो ऑलरेडी क्लाइंट ऐड किए हुए हैं, अगर उनके कुछ डिटेल्स आपको अपडेट करनी है तो यहाँ से आप एक्सेलशीट डाउनलोड करके उसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपकी एक्सेलशीट डाउनलोड हो जाएगी। इस एक्सेलशीट में आपको सबसे पहले क्लाइंट का जीएसटीएन नंबर, बिजनेस नेम, जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्लाइंट GSTR1 मंथली फाइल करता है या क्वार्टरली, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कस्टमर नेम, क्लाइंट का ईमेल एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर, ये आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट करके लेनी है। डिटेल्स अपडेट करने के बाद आपको ये एक्सेल शीट सेव करनी है। सेव करने के बाद जीएसटी हीरो में जाके बल्क अपलोड में ब्राउज फाइल करनी है। ब्राउज फाइल करने के बाद जो शीट हमने अपडेट की है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन करके अपलोड पे क्लिक करना है। इसमें सेकेंड ऑप्शन है डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट। ये टेम्पलेट डाउनलोड करके आपको अगर इन क्लाइंट के अलावा दूसरे क्लाइंट ऐड करने हैं तो आप ये टेम्पलेट डाउनलोड करके उसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने ये ब्लैंक टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आपको क्लाइंट की सारी डिटेल्स फिल करके ये फाइल सेव करनी है। फाइल सेव करने के बाद आपको यहाँ पे वो फाइल ब्राउज करनी है और अपलोड करनी है, तो आपके बाकी के क्लाइंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसी तरह आप आपके क्लाइंट्स ऐड कर सकते हो। थैंक यू।